आलिया, जब तुम रूम में आई मैं दिशा के बारे में सोच रहा था। आलिया, ये तू ठीक नहीं कर रही है बेटा। ठीक नहीं कर रही? मेरी लाइफ में तो कुछ ठीक है ही नहीं ना दासी। सब कुछ है, सब कुछ, बस प्यार नहीं। आपने कहा था कि पूरब के साथ, बेटा तू अपने रिश्ते पर काम कर, दोस्त बना ले उसको, दोस्ती से सब कुछ ठीक कर ले। लेकिन आपने ये तो नहीं बताया दासी कि धोखा तो दोस्ती में भी होता है। पूरब ने कभी मुझे प्यार किया ही नहीं दासी, पूरब से कभी मुझे प्यार नहीं मिला। लेकिन धोखा जरूर मिलने वाला है। ये तो क्या बोल रही है बेटा? धोखा, माना कि हम यार नहीं, लो तह के तमीज से आलिया, तुम अभी की बहन हो लेकिन दिशा मेरी वाइफ है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था एंड आई रियलाइज दैट आई वाज मिसिंग हर। लिविंग रूम में मैंने तुमसे कहा था दैट आई लव यू, वो कहाँ जाना है मुझे बताइए, मैं छोड़ देती हूँ फिर चली जाऊंगी। उसे जा जाना है, मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा ना तुमसे I'm fine. Not fine, I'm drunk. मैंने चाहता तुम मुझे इस तरह देखो, अच्छा नहीं लगता मुझे, don't like it. जाओ जाकर पार्टी एंजॉय करो प्लीज। हो गया ना डांट के, बाकी बाद में डांटी। चलिए चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ, चलिए संभाल के वहां कैंडल है, आराम से कमरे में चलिए। यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट आराम से बैठी यहां पे। कैसे फोगी की तरह पता, हमारी एक और बेटी है वो की के साथ ही है ना, वो बड़ी हो गई होंगी, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होंगी, वो आई एम श्योर। आप क्या बोल रहे सर? क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। बस ये बोल रहा हूँ कि मैं फोगी से बहुत प्यार करता हूँ ना, really miss her a lot. Hey, क्या तुम मेरी फुग्गी को मेरे पास लाओगी क्या? Please. मैं? हाँ, तुम देखो मना मत करना, वो नहीं आ रही है ना मेरे पास, मेरी बात ही नहीं सुन रही है। तुम इतनी अच्छी हो, तुम बोलोगी वो मना नहीं करेगी, प्लीज बोलो उससे, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, प्लीज। ओके, मैं ले आऊंगी आपकी फुग्गी। फुग्गी, 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 promise me. ओके, मैं ले आऊंगी। नो, प्रॉमिस मी फुग्गी को लाओगी? आई प्रॉमिस यू आपकी फुग्गी को आपके पास वापस मैं ले आऊंगी। क्योंकि तू धड़कन, मैं दिल। आप सब लोग यहाँ आए
मुझे अच्छा लगा, लेकिन आज मन थोड़ा उदास भी है क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे अपने काम से ब्रेक लेना पड़े। एज यू ऑल नो कि वर्क इज वर्शिप फॉर मी एंड वर्क इज एवरीथिंग। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे काम की वजह से हूँ। इनाम, पैसा, शोहरत, पहचान, सब कुछ मुझे काम ने दिया है। इस काम ने मुझे कई दोस्त दिए और अभी जैसा भाई दिया। Guys, my friend Vikram is very bad at speeches. इसलिए जहाँ पर भी आप लोग बोर होने लगे ताली बजा देना, चुप हो जाएंगे और बुरा भी नहीं मानेंगे। आप सबकी तालियां हैं सराखों पर, लेकिन मेरे दोस्त आज मेरे दिल में उमड़ रहा है जो सैलाब, वो भी है उफान पर। अरे वाह, इस बिजनेस ने मुझे सब कुछ दिया। इस बिजनेस ने मुझे अभी दिया और इस बिजनेस ने मुझे मेरी वाइफ भी दी। अच्छा हाँ, मेरी वाइफ से मिलना भी एक अजीब इत्तेफाक था। वो शर्मा रही है, वो कह रही है कि ये कहानी मैं अभी आपके सामने पेश न करूं। ठीक है, नहीं करूंगा क्योंकि पार्टी के बाद आप लोग घर पे चले जाओगे और मुझे इनका सामना करना पड़ेगा। खैर, इट्स टाइम फॉर मी टू टेक अ ब्रेक नाउ। तो अब से मेरा ब्रॉडकास्टिंग का बिजनेस संभालेगा मेरा बेटा। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई हैंडसम डैशिंग शेर रणबीर कोहली। कम हियर, कम हियर माय सन। आज तक लोगों ने तुम्हारा म्यूजिक का टैलेंट देखा है और सुना है, लेकिन आज से अभी से वो तुम्हारे बिजनेस के टैलेंट को, बिजनेस के माइंड को जानेंगे और परखेंगे। सो ऑल द बेस्ट माय सन, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। Here also. Sir, Abhi. Thank you so much. Up. Riga, कुछ बताओगी? What is it? Guys, dinner is ready, so आप लोग नीचे चले जाइए और डिनर कर लीजिए। Thank you. क्या हो रहा है? I need this place empty. This is my terrace, my house, my boyfriend, so please leave. मुझे कुछ privacy चाहिए, can you leave? रिया, तुमने कभी मुझे बताया नहीं, I'm very happy कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। I am breaking up with you. What are you saying? I'm done for real. मुझसे आइंदा से बात करने की कोशिश मत करना, and don't even try to come near me. Get it? I'm done. रिया, excuse me. देख अभी, ये रणबीर रोज ऑफिस में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, मुझे उसका रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, मैंने उससे बोला, बेटा देखो, आई ट्रस्ट यू बेटा, डोंट ब्रेक माई ट्रस्ट। तो थोड़ा बिजनेस तो बिजनेस है ना, तो थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। बेटा अपनी जगह है और पैसे अपनी जगह है, ठीक है, इसके लिए थोड़ा नजर रखना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ तू भी थोड़ा उस पे नजर रखना। पता है, जब उसे पता चलेगा ना सबके बारे में तो उसे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि एक तरफ तू बोल रहा है कि तुझे उस पे भरोसा है, दूसरी तरफ तू उस पे नजर रखेगा। आई फील फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट विक्रम, लेट देम बी। लेकिन दोस्त, थोड़ी बहुत पाबंदी तो जरूरी है, क्योंकि वरना बिखर जाएगा बेटा। मैं तो कह रहा हूँ तू नजर रखना। तू मुझे सलामत दे, मुझे जो ठीक लगे तू कर, मुझे जो ठीक लगे मैं वो करूँगा। मेरे होते हुए नहीं बच्चों, लड़कियां आपस में कितनी भी दुश्मनी रखे पर किसी लड़के से किसी लड़की को परेशान होते हुए नहीं देख सकती। Shut up. Yeah, stop acting like kids. ये तो गई अब। ये तो मेरे पीछे था, अब कहाँ चला गया? ठीक है, करना कहीं भी जाए,
पहले मुझे लगता था प्राची और रणवीर का एक ड्रामा है, बट नो, ये ड्रामा वामा नहीं है। तभी रणवीर प्राची के लिए कैंप में आया था, वो तो ना डांस भी कर रहे थे। कहीं ये ड्रामा कुछ ज्यादा ही चल रहा है, और जब मैं पास में होती हूँ तो और भी ज्यादा। प्राची रणवीर, आई हेट यू। मैं तुम्हें जब भी प्रपोज करने जाता हूँ वहां पे प्राची आ जाती, मेरे दिल दिमाग हर जगह सिर्फ तुम हो। आई स्वेयर मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कभी चीट नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। आई स्वेयर, प्लीज प्लीज एक्सेप्ट मी। चलो इधर आओ। एक बात बताओ मुझे, तुमने आज से पहले इतना खूबसूरत कपल कभी देखा है, कभी लाइफ में? देखो वैसे तो मैं एक बहुत रोमांटिक प्रपोजल प्लान कर रहा था, लेकिन ऐसे ही ठीक है। और इस प्रपोजल में कोई डेकोरेशन नहीं होगी, कोई गाना बजाना नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल की फीलिंग्स। आई नो तुम मेरे प्रपोजल के बारे में बहुत सोच रही थी, लेकिन अब मत सोचो। क्यों हुआ है? क्योंकि अब मैं तुम्हें एक्चुअली प्रपोज करने वाला हूं। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों की सच कह रहा, तेरी I love you. तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने। I love you more than any other girl in this world. और girl क्या, मैं तो तुमसे अपने passion से ज्यादा प्यार करता हूँ। My cars, my bike, my music, my dance, my everything. But मैंने तुम्हें प्राची के बहुत close देखा है। अरे यार वो ऐसी लड़की है, वो बकवास करती है यार, वो जानबूझ के करती है। I think she likes me. Trust me, जबरदस्ती मुझसे आके टकरा जाते हैं। और तुमने देखा जब भी हम मिलते हैं हम सिर्फ झगड़ा करते हैं, because there's nothing between us. ठीक है, अगर मैंने तुम्हारा proposal accept किया तो मेरे लिए क्या कर सकते हो? Anything, कुछ भी। 3 घंटे तक तुम्हारे लिए गाना गा सकता हूँ, 3 घंटे तक बिना रुके, 4 दिन तक किसी अमेज़न के फॉरेस्ट में सर्वाइव कर सकता हूँ। हालांकि बहुत फिल्मी है, लेकिन मैं तुम मर भी सकता हूँ तुम्हारे लिए। पर मुझे ऐसा तुमसे कुछ नहीं करवाना। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करूं तो वो सिर्फ छोटी सी कंडीशन पे होगा। कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी तुम बोलो मैं करने के लिए तैयार हूं, एनीथिंग। तो मेरा प्यार पाने के लिए तुम्हें प्राची को अपने प्यार में फंसाना होगा। प्राची, तू रणवीर जैसे लड़की को मना कैसे कर सकती है? पूछ तो ऐसी रही जैसे कि मुझे जानती ही नहीं। मैं क्या दुनिया की हर लड़की से कह दूं उस पागल रणवीर से दूर रहे, और तेरे आसपास तो उसे भटकने भी नहीं दूंगी मैं। प्राची, इतना भी क्या बुरा लगता है तुझे? बुराई की लिमिट है वो, इरिटेशन की हद है वो, कभी ना खत्म होने वाला सर दर्द है वो, उसमें ना कॉमन सेंस भी नहीं। अच्छा अब ठीक है, अगर तुझे रणवीर पसंद नहीं है ना तो तुझे किस टाइप की लड़के पसंद है, मतलब कैसे लड़के शादी करेगी तू? क्यों पूछ रही है सब, मुझे थोड़ी ना किसी से शादी करनी है अभी। कभी ना कभी तो शादी करनी है ना, तो बता ना कैसे लड़के पसंद है। मुझे पसंद है ओके, वेल एजुकेटेड, हम्बल, डाउन टू अर्थ, मिडिल क्लास, इंटेलिजेंट लड़का जो कम कमाए चलेगा लेकिन अपने माँ बाप को, बीवी को, फैमिली को अच्छे से टाइम दे पाए, जो 9 to 5 की जॉब करे, ऑफिस के बाद सीधा घर आए, वीकेंड पे मूवीज ले जाए, पिकनिक ले जाए, और महीने में एक बार शॉपिंग, जिसे रीडिंग का शौक हो, जो समझदार। प्राची, 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 तेरी चॉइस ना बहुत ही बोरिंग है। अरे ऐसे लड़के ना कॉलेज के लाइब्रेरी में मिलते हैं, वो चश्मे वाली किताबी कीड़े। हाँ तो मुझे ऐसे लड़के पसंद है। ओ, तो तुम मुझे टेस्ट कर रही हो, तुमने मुझे टास्क दिया है जिससे मैं तुम्हें प्रूव करूँ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। यू नो व्हाट बेब, आई लव यू, और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान ले लूंगी तो प्यार कैसे करूंगी? I know you love me a lot, but you need to prove a little bit. तो उसके लिए तुम्हें प्राची से प्यार का नाटक करना होगा। Make her fall in love with you. I don't get it.
मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, और तुम्हें बोलना चाहिए था कि मैं तुमसे प्यार करता रहूँ जिंदगी भर तक के लिए, आगे तक के लिए। ये प्राची कहाँ से बीच में? Don't be so over dramatic, Ranveer. मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। I don't want you कि तुम उससे प्यार करो। I just want कि वो तुमसे प्यार करे। You make her fall in love with yourself. जो रणबीर है, मेरा रणबीर, जिसका चार्म चारों तरफ चलता है, पूरी कॉलेज की लड़कियां रणबीर के पीछे पागल, तो मैं चाहती हूँ कि वो प्राची भी तुम्हारे पीछे पागल हो जाए। सो आई वॉन्ट यू टू मेक हर मैडली डीपली इन फॉल इन लव विद। सो इन शॉर्ट मैं चाहती हूँ कि तुम उससे प्यार ना करो, बट वो तुमसे प्यार करे। मुझे मेरा स्टंट समझ में आया, बट तुम दोनों का स्टंट? रिया, तुम्हें याद है जब रणबीर प्राची का हाथ पकड़कर कहीं ले जा रहा था उसे, और फिर तुम हमारे पास आई थी? रिया, तुम अभी ना ही बोलोगी। लेकिन जो तुम लोग बोल रहे हो वो रिया, कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं हम। अपने राइट्स के लिए फाइट करना कोई गलत बात नहीं होती। बस तुम्हारी रेपुटेशन, अगर रणबीर प्राची का बॉयफ्रेंड बन गया ना, तो सारे कॉलेज में उसी की बातें होगी। और कॉलेज का सबसे हॉट लड़का प्राची का बॉयफ्रेंड, तो वो हर जगह फेमस हो जाएगी। और फिर तुम्हें तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं रिया। और तुम्हारे डैड, वो प्राची रणबीर और तुम्हारे डैड को तुमसे छीन रही है, और तुम अभी भी मना कर रही हो। यार राइट और रॉन्ग अभी मत देखो। प्राची से जो भी लड़ाई तुम्हारी हो रही है, उसमें विनर तुम्हें ही बनना है, वरना पूरी लाइफ लोग तुम्हें लूजर बुलाएंगे। आई एम नॉट अ लूजर, आई एम अ विनर। I will remain a winner. और रणबीर सिर्फ मेरा है। अच्छा खासा कॉरिडोर में वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, and suddenly उसे वो प्राची मिल गई है, वो उसके पीछे चला गया। I mean, पता नहीं उसने उससे ऐसा क्या कहा कि वो? I think प्राची ने ना रणबीर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया। वरना क्यों रणबीर उसके पीछे जाएगा? वो प्राची मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहती है ना। बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। Girls, I think you're right. You should take this plan ahead. मिलने दो ड्रग्स उसके पास। जब पुलिस उसे अरेस्ट करेगी, तो ना मेरे घर आ पाएगी और ना कॉलेज जा पाएगी, ना मुझसे मेरे डैड छीन पाएगी और ना मुझसे मेरा रणबीर छीन पाएगी। I'm going to destroy you, Praji. तो तुमने वो काम कर दिया? हाँ, हमारी निशांत से बात हो गई है। निशांत? उसके पास ड्रग्स हैं। हमने उसे सारा काम समझा दिया है। हो जाएगा, पर पैसा डबल लगेगा। मिल जाएगा, लेकिन सारा काम तुम्हें खुद करना होगा। और सीसीटीवी कैमरास? वो इतनी सारी पार्टीज में ड्रग्स बेचने, अब ड्रग्स बेचने जाता है तो वो सारी चीजें मैनेज कर लेगा। उसने कर लिया आपका। सो तुम कहना चाहते हो कि उसने प्राची के बैग में ड्रग्स डाल दिए? ड्रग्स मैंने उसके बैग में रख दिया, अब उसे जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आएगा मजा। एक तीर से दो निशाने होंगे। अगर एक तीर से नहीं हुआ, तो दूसरा तीर अपना कमाल कर देगा। और दूसरा तीर? दूसरा तीर है मेरा चलाया हुआ तीर। मेरे डैड और रणबीर छीनना चाहती थी ना, मैं उसकी सारी खुशियां छीन लूंगी। और ड्रग्स मिलने के बाद वो कॉलेज से ही नहीं बल्कि इस घर से भी आउट होगी। Because my dad doesn't like drugs. So Prachi, Prachi, you're going down. क्या था उसने सब? हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। मैं सुन रहा हूँ। मतलब मैं बोल रही हूँ। अरे सरिता जी, कैसी हैं आप? आपने आवाज से पहचान लिया? अरे कैसे नहीं पहचानता, आपकी आवाज में इतनी कशिश जो है।
आप ना मजाक बहुत करते हैं। अकेले हो? लाइफ में या घर में? मेरा मतलब घर में ना। आपको कैसे पता चला? ओ, आज आपके घर पे पार्टी है ना, इसलिए कोई गाने बजाने की आवाज नहीं आ रही। शोरगुल कुछ सुनाई नहीं दे रहा ना, इसलिए समझ गई कि आप अकेले हो। वेल डन ट्रिपल एस। एसएस? सेक्सी स्मार्ट सरिता जी। हो, आपका ह्यूमर ऑफ सेंस ना बहुत अच्छा है। यू मीन सेंस ऑफ ह्यूमर? और वही वही, आपसे बात करके ना दिल हल्का हो जाता है, इसीलिए आपको फोन किया। हल्का होने के लिए? नहीं नहीं, मतलब हाँ हाँ, लेकिन मेरा नहीं, किसी और का। किसका? पहले ये बताओ कि आप हो किधर? मैं कमरे में। पार्टी में नहीं ना, मतलब आपका भी दिल नहीं लग रहा है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। इसलिए ना आप इधर आ जाओ मेरे घर पे। आपके घर पे इस वक्त? हाँ, वो ना आज बहुत दुखी है बेचारी, प्राची की माँ। ऐसा क्यों? अपने पिछले बीते दिनों को याद करके ना बहुत रोई है बेचारी। कमाल है, मैं भी अपने बीते हुए कल को याद करके इमोशनल हो रहा था। अब इतनी देर तक सफाई चल रही है, वैसे आज दिवाली तो नहीं है। तू कुछ अच्छा क्यों नहीं पहन लेते? क्यों, आज दिवाली तो नहीं है? शुक्र है कि तेरे मुंह से भी कोई जोक निकला। कुछ अच्छा पहन ले। क्यों, ये बुरा है? नहीं नहीं, बुरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। लेकिन क्यों पहनना अच्छा? उसके लिए मेरा मतलब है कि मेरे लिए मुझे अच्छा लगे। कल पहन लूंगी, वैसे भी आज सोने का टाइम हो गया है। प्राची आ जाए बस, मैं सोने जाऊंगी फिर, थक गई आज बिल्कुल। अरे कोई गेस्ट आ रहा है क्या? आपने चेंज करने के लिए बोला तो। हाँ हाँ, गेस्ट आ रहा है, वो आ रहा है, वो इस टाइम। अरे मैंने बुलाया है। तो तुझे ऐसी हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा कि प्राची की मम्मी घर पे ऐसे रहती है? बोलेगा मतलब आदमी है, प्राची को जान कौन है? अरे मिस्टर मेहरा, आपने मिस्टर मेहरा को यहाँ बुलाया है? लेकिन क्यों, वो उनके घर में पार्टी और वो अरे आपको नहीं बुलाना चाहिए था उन्हें यहाँ। तो क्या करती, तू इतनी उदास थी, रो रही थी, तो मुझे लगा कि कोई तो होना चाहिए ना जो तेरा दर्द समझ सके, जो तो वो आएगा तो तू बात करेगी तो तुझे अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा, वो मिस्टर मेहरा से मैं क्या बात करूंगी, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि कोई तो होना चाहिए ना जो तेरे को समझ सके, तेरा दर्द समझ सके, वो तुझसे बात करता। मुझे नहीं बात करनी उनसे, मैं क्यों बात करूंगी उनसे, और वो क्या समझेंगे मेरा दर्द, वो इतने बड़े आदमी है, मेरा दुख कैसे। एक्चुअली गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है, मुझे नहीं बताना चाहिए था आपको कि मैं क्यों रो रही हूँ। अच्छा, तो किसी को अपना दर्द बताना गलती होती है? और नहीं तो क्या, देखिए क्या हुआ, मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बता दिया। अरे किसी और को किधर, मिस्टर मेहरा को ही तो बताया है। मिस्टर मेहरा को ही मतलब वो कौन है? मेरे दोस्त ने, रिश्तेदार है, प्राची के बॉस है, उसकी मदद की है, अच्छी इंसान है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपना दुख बता दूंगी उन्हें। एक तो वैसे ही मेरा एक बार उनसे झगड़ा हो गया है। झगड़ा हो गया मतलब तेरे को वो पसंद नहीं है? अरे इतना हैंडसम आदमी, इतना बड़ा आदमी जो छोटे लोगों की भी रिस्पेक्ट करता है, औरतों से अच्छे से बात करता है, और प्राची को तो अपनी बेटी जैसा मानता है, और दिल को इतना अच्छा है कि मेरे एक बार फोन करने पे वो आ रहा है। मैं मानती हूँ बहुत अच्छे इंसान है वो, लेकिन मैं उनसे बात नहीं, आप समझ नहीं रही है। अरे तेरे को जो समझाना है ना तो उसको समझाना। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी, मैं उनसे बात करूंगी क्यों, और मैं क्या बात करूंगी उनसे, मैं उन्हें कैसे अपने दुख के बारे में बता सकती हूँ, वो मुझे जानते ही नहीं। आप, अरे आप फोन करके उन्हें मना कर दीजिए, बोल दीजिए कि मैं सो गई। क्या आप सॉरी, मुझे पता है आपको मेरी चिंता हो रही है। मैं ठीक हूँ, और नहीं हूँ तो ठीक हो जाऊंगी, मुझे बात करनी होगी तो आप हैं, प्राची है, शाहाना है,
आप लोगों से बात करके मैं मन हल्का कर लूंगी ना। मैं वो अनजान इंसान से क्या, कोई अच्छा है तो उसकी अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए। उनके अपने घर पे पार्टी है और वो यहाँ आ रहे हैं। फिर रास्ते में होंगे, आप उन्हें फोन करके प्लीज घर भेज दीजिए। प्लीज सरिता जी मेरे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, करती हूँ फोन। उठा नहीं रहे हैं। फोन कर रख दिया मैंने। अरे तो दोबारा फोन कीजिए, जब तक फोन नहीं उठाते आप फोन करते रहिए प्लीज। अच्छा अच्छा करते हो। तू कुछ भी कर ले, मैं उसे मना नहीं करूंगी। हेलो, हाँ हाँ मैं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि आप मत आओ। वो प्राची की माँ बोल रही है कि अच्छा नहीं लगता ना आप इतनी दूर से इतनी रात को। मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। मैं कर रही हूँ ना। अरे आप ठीक से नहीं समझा रही, मैं बात कर। हाँ हाँ नहीं नहीं इधर सब ठीक है। हाँ आप ठीक समझे, वो सो गई है। हाँ मैं बाद में फोन करती हूँ आपको। हाँ बाय बाय।